हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में। तो दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो कार्यरत है, उनकी सैलरी सही समय पर ना मिलती है, तो उसके क्या कारण है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बेल्ट्रोन के थ्रू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की ज्वाइनिंग की जाती है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक लेटर जारी की गई है, जो कि आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके प्रेषक है अनिल कुमार पांडे, जो सरकार के उप सचिव हैं। विषय क्या है दोस्तों, राज्य के प्रत्येक अंचलों में नियोजित जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके लंबित मानदेय के भुगतान के संबंध में, यानी कि उनके लेट सैलरी मिलने के संबंध में। महाशय में है दोस्तों, उपय विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के प्रत्येक अंचलों में नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का मानदेय भुगतान हेतु जिलों को आवंटित राशि संबंधित अंचलों को प्रत्येक अंचल तीन तीन डाटा एंट्री ऑपरेटरों की दर से आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि संबंधित अंचलों से प्रत्येक नियोजित कर्मियों का बेल्ट्रोन के माध्यम से नोडल पदाधिकारी द्वारा ससमय मानदेय की भुगतान की जा सके। तो दोस्तों, उनकी जो सैलरी है वो प्रत्येक अंचलों में तीन तीन डाटा एंट्री ऑपरेटरों के रूप में उनकी सैलरी आवंटित की गई है, और अनुरोध भी किया गया है कि सही समय पे उनकी सैलरी उन्हें मिल जाए। नीचे क्या है दोस्तों, प्रशंसक पत्र के क्रम में कहना है कि प्रत्येक अंचलों के माह सितंबर 2021 में विभाग द्वारा नियोजित किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों का विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल अंतर्गत अंचलाधिकारी के लॉगिन से अपलोड किए गए उपस्थिति विवरण के आधार पर संबंधित कर्मियों का अगस्त 2022 तक मानदेय भुगतान बेल्ट्रोन को किया जा चुका है। यानी कि दोस्तों, उनकी जो अटेंडेंसी है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल के अंतर्गत अपलोड किया गया है, तब जाकर उनकी जो सैलरी है वो बेल्ट्रोन को दिया जा चुका है। परंतु संबंधित पोर्टल पर विलंब से उपस्थिति विवरण अपलोड किए जाने के कारण कर्मियों का भुगतान नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे साफ दिया गया है कि विलंब से यानी लेट से उनकी उपस्थिति जो है, अटेंडेंसी है जो अपलोड की गई है, इसके कारण से उसकी सैलरी में भुगतान नहीं किया गया है। और नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, अतएव वैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जिनका माह सितंबर 2022 से पूर्व के किसी माह का भुगतान लंबित है की सूची संकलन करते हुए अनुरोध है कि मानदेय भुगतान हेतु अंचलों को आवंटित राशि से इन कर्मियों का लंबित मानदेय भुगतान करने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश करने की कृपा की जाए। तो दोस्तों, जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जो सितंबर 2000 माह से पूर्व किन्हीं का सैलरी अभी तक नहीं मिला है, उन कर्मियों से उनके सैलरी देने के लिए अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जो आवंटित राशि है उस राशि से ही आप इनकी सैलरी को उन्हें दे दे। और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि उक्त सूची के अतिरिक्त किसी अन्य डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा माह सितंबर 2022 से पूर्व के माह का मानदेय भुगतान न होने के कारण मानदेय भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है, तो विभाग से सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मी का मानदेय भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जिनकी सैलरी नहीं मिली है, उनकी सैलरी का भुगतान करने के लिए अनुरोध किया गया है, और सत्यापन भी किया गया कि उनकी जल्द से जल्द उनकी सैलरी उन्हें दी जाए। दोस्तों, इस लेटर को जारी करने के पीछे एक निर्देश है, यह है कि जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर से जो कहीं भी कार्यरत हैं, वो अपनी उपस्थिति को यानी अटेंडेंसी को सही समय पर अपलोड करें, ताकि उनकी जो सैलरी है उन्हें सही समय पे उन्हें मिलती रहे। तो बहुत से ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जो अपनी उपस्थिति को सही समय पे अपलोड नहीं कर पाते हैं, तब जाकर ही उनकी सैलरी उन्हें लेट से मिलती है। तो आप जब भी किसी भी विभाग में जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी अटेंडेंसी को सही समय पे अपलोड करें,
ताकि आपकी जो सैलरी है वो आपको सही समय पे मिल जाए। तो इसी कारण से दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सही समय पे सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए इस लेटर को जारी किया गया था कि किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को परेशानी ना हो और सही सही समझ आ जाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।